गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी जो मॉक टेस्ट टेन बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी एग्ज़ामिशन के लिए फ़ायदा मंद होगा चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं ऑलरेडी मैंने अप टू मॉक टेस्ट नाइन तक बताया गया है एक बार आप और गोल करिएगा अपना इस पे प्ले लिस्ट में जाके आपको बायोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगा चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल हैं द तो ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर एज यूनिवर्सल डोनर वो वो आप जानते हैं एक्सेप्टर आर ये भी है वॉट पार्ट ऑफ द क्यून प्लांट इज कॉमनली यूज फॉर ड्रग फॉर मलेरिया आप जो भी मलेरिया ड्रग है दैट इज क्लोरोक्विन उस ड्रग को बनाने के लिए कौन सा पार्ट यूज करते हैं शिशोना प्लांट आप जानते हैं स्टेम बार्क से लिया जाता है विच आर द फॉलोइंग डिसीज अकर वेन द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बाय लेस न्यूट्रेटिव फूड लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज इन फैंट्स बिलो द एज ऑफ वन ईयर जिनको ठीक से माँ माँ का दूध अगर नहीं देते हैं उनको मारजमस होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि माँ का दूध के अंदर जो भी बहुत ही अच्छी कंटेंट आपको मिल जाती है काफ़ी प्रोटीन्स और कैलोरीज वगैरह मिल जाते हैं वाट हैपन्स वेन द एक्सपोजर टू कार्बन मोनाक्साइड जो भी कोल गैस से आता है इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कैन किल पेशेंट अगर कार्बन मोनाक्साइड ज़्यादा वो पी, वो सांस लेने से उसको काफ़ी नुकसान होगा वो मर भी सकता है क्या है यहाँ पे सी ओ एच बी इस स्टेबल कॉम्पाउंड एंड दस डिप्राइव ब्लड ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एक टर्मिनोलॉजी है जो हेमोग्लोबिन जो है मेन फंक्शन क्या है जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह जब कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड इन्हील करता है वो जो ऑक्सीजन सिंगल पार्टिकल जो है वो जाके सीधा ऑक्सीजन पे अफेक्ट करता है सीधा वो डिज़ोल्व हो जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं जा पाता है यही एक टर्मिनोलॉजी है एक इसका एक साइंस है व्हाट एग्जैक्टली द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डेफिनेशन उसको क्या कहते हैं इस तरह का जब पॉइजनिंग हो जाता है उस टर्मिनोलॉजी का नाम आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा देर इज़ ए गुड टर्मिनोलॉजी गुड टर्म फॉर दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइस कितना आप लोग पढ़ाई किए हम देखना चाहते हैं इन हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन विल लोज़ एयर कॉन्शियसनेस इफ़ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन विल लोज एयर कॉन्शियस इफ़ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन पाँच सेकेंड के लिए वो कॉन्शियसनेस खो जाता है जैसे कि मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कर रहा था तब आजकल जो टेक्नोलॉजी बदल गया और जो ब्लड सकिंग का जो फास्ट फास्टनेस है वो भी बढ़ गया जो मेरा और जब ब्लड मैं डोनेट कर रहा था उन्होंने जो सकिंग जो कैपेसिटी थी वो बढ़ा दिया था और मेरा उस टाइम पे जैसे कि मेरा उम्र जो था तेईस या चौबीस था और मैं एकदम पतला दुबला था और फिर भी वहाँ जाने देने गया था तो वहाँ का जो सक्शन जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट था जिसकी वजह से मैं लेटा हुआ था तब क्या हुआ सीधा ब्लड फास्ट सकिंग करने लगा और जो भी पौच था वो भरने वाला था और धीरे धीरे से जो मैं इंक्लिनेशन था वो एकदम निर अबोट आप देख सकते हो सिक्सटी सिक्सटी डिग्रीज ऑफ इंक्लिनेशन था जिससे फोर्टी फाइव टू फिफ्टी डिग्री इंक्लिनेशन था सेम टाइम मैं बेहोश हो गया क्योंकि आपका ब्लड जो है आप पूरा का पूरा सक कर सक करते गया और सेम टाइम ब्लड जो है आपके दिमाग में नहीं गया क्योंकि आपका इंक्लिनेशन थी आपकी ब्रेन में कोई ब्लड जा नहीं रही थी तो अपने आप मैं भी अनकॉन्शियस हो गया और बाद में डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम लगा दिया और नीचे लटा दिया और धीरे धीरे से मेरे को होश आने लगा सो so एक अनकॉन्शियस आप फील करते हो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करनी है तो जाइए ब्लड डोनेट करिए और उनको बोलिए जो सक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाया जाए और आपका जो इंक्लेशन है जैसे आपको 60 डिग्री से सेवेंटी डिग्री सब रख के देखेगा खुद पता चल जाएगा अगला हाउ मेनी बोन्स कंप्राइज द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हम लोग कुल मिलाकर दो सौ छः बोन देखने को मिलता है बच्चों के लिए तीन सौ विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द सल्फर शवर जैसे कि इसमें डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन्स इंटू द एयर फॉर्मिंग एलोइश क्लाउड्स इसको कहते हैं सल्फर शवर क्या है ये एक डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन्स इंटू द एयर फॉर्मिंग एलोइश क्लाउड्स दिस इज वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सल्फर शार नेक्स्ट एक अजर्शन ऑन रीजनिंग दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दो स्टेटमेंट ऐसे देंगे आपको एक अजर्शन देगा और एक रीज़न देगा पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ये ट्रू है क्योंकि ये क्योंकि ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है रीज़न दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट को वो रीजन दे रहा है ये दोनों गलत सही सा, सा, है इसका मतलब वट आवर द बोथ ऑप्शन जो दिए गए हैं ए एंड आर दोनों को दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है कहने का मतलब इस तरह का सवाल आपको आता है जो तो आप लोग इनको कभी ना छोड़िएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला एक अजरसन रीजन देखिएगा सैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अनसेचरेट जो भी सैचुरेटेड फ़ैट है वो मोर रिएक्टिव कह रहा है एज़ कम्पेयर टू अनसेचुरेट यहाँ पर उसका जो रीज़न दे रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैव डबल बॉन्ड्स जो भी अनसैचुरेटेड है उनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं ओवरऑल यहाँ पे क्या है जो भी सैचुरेटेड फ़ैट्स है दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द अनसैचुरेटेड क्यों क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड सैचरेटेड फैट्स है उनका जो है डबल बॉन्ड्स देखने को मिलता है तभी ये दोनों जो ट्रू जो स्टेटमेंट है ये इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू इसमें जो है ये फॉल्स है पर आर जो है वो ट्रू है कहने का के मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट दिया वो सही है पर पहला स्टेटमेंट गलत है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो है द सन्स ऑफ कलर ब्लाइंड वुमेन आर ऑलवेज कलर ब्लाइंड बट नॉट द डॉटर्स रीज़न दिया गया है कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ सेक्स लिंकड कैरेक्टर एंड सच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्राम द मदर टू सन ओनली जैसे कि यहाँ पर देखा जाए जो भी ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो यहाँ पर दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका कोई लेन देन नहीं है तो जब स्टेटमेंट सही होने के बाद भी यहाँ पे जो दिया गया है ऊपर का जो रीज़न है वो यहाँ पे सेकंड रीजन ऊपर का जो असर्शन और रीज़न में कोई इंटरलिंक नहीं है क्योंकि द सन्स ऑफ कलर ब्लाइंड वुमेन आर ऑलवेज कलर ब्लाइंड बट नॉट द डॉटर्स दे रहे यहाँ पर बता रहा है कि कलर ब्लाइंडस इज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड सच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू सन ओनली वहाँ पर डॉटर दे रहा है तभी यहाँ पर जच नहीं रहा है अगला देखते हैं ए मैन विद द ओ ब्लड ग्रुप मैरिड टू ए वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी देन चाइल्ड विल नेवर गेट अप एन ए बी ग्रुप जैसे कि इसमें दिया गया ब्लड ग्रुप ओ जीन इज़ डोमिनेंट ओवर ए बी आर ए बी सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स सो ओवरऑल यहाँ पे जो भी द मैन विद द वो ब्लड ग्रुप मैरिड टू ए वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी देन द चाइल्ड विल नैवर बी ट एन ए बी ग्रुप यहाँ पे वहाँ का जो ग्रुप है वो कभी नहीं आएगी तो यही रूज आ, ट्रू है बाकी जो आर दिया वो फॉल्स है चलिए अगला देखते हैं विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डिसीज और डिफिशियंसी डिसीजेस जैसे कि आप देख सकते हैं कौन सा डिसीजेस डिफिशियंसी वाला है तीसरा और चौथा अगर देखा जाए नाइट ब्लैंडनेस एंड मारजमस बेरी बेरी एंड ओस्टमालशिया सो ये दो ये जितने भी आप दिया हुआ है थ्री एंड फोर दे आर ऑल डिफिशेंसी वाला बाकी जीरोफ तालमिया जैसा नाइट ब्लाडनेस आप जानते हैं इसको और कलर, कलर ब्लाडनेस जो है डिफिशेंसी नहीं वो अपना हेरिडेटी होता है सो so, इसमें अगर एक भी अगर गलत है तो आप नहीं लिख सकते हो सो यहाँ थ्री एंड फोर जो है डिफिशियंसी की वजह से आता है हाउ मनी ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट इन ए हंस एग जो मुर्गी होता है जो अंडा देता है वो कितना कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलता है उसके अंदर पॉइंट सिक्स वन ग्राम आपको देखने को मिलता है एक अंडे के अंदर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉर्मनेंट इन्सीजर्स इन बोथ द अपर एंड लोअर जार्स ऑफ द कैटल एंड बफेलोस कैटल एंड बफेलोस के अंदर आपको ऊपर चार नीचे चार यानी आपको इन्सीजर्स आठ देखने को मिलेगा वाट इज द गैसटेशन पीरियड ऑफ कैमल जो गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल का होता है वो तकरीबन तीन सौ दिस से लेके कर तीन सौ पचास दिन तक होता है आप लोग मुझे बताएंगे गेस्टेशन पीरियड क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला देखा जाए मैचिंग द लिस्ट वन एंड टू इसके हिसाब से टू फोर वन थ्री इज़ द राइट आंसर दैट इज़ कैटल का जो लाइफ स्पैन है दैट विल बी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स और गोट का जो है फोटी फाइव टू फिफ्टी यहाँ दिखा गया है और अगला देखा जाए शीप का तकरीबन 10 से 25 साल अगला कैमल्स का देखिएगा 40 साल तक दिया गया है और ये इस तरह सवाल बहुत ही कम पूछते हैं नो वरी फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट ओपियम इज़ ऑप्टेंड जो ओपियम है जो आप जानते हैं जो भी ड्रग्स होते हैं ये ड्राइड लेटेक्स से ये निकाला गया है ओपियम को आप लोग पॉपी प्लांट से कौन सा ड्रग निकालते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको नहीं पता है कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ से आप मेरा प्ले में जाइए आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर के साथ दिया गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ अफेक्टेड बाई द एर्ली ब्लाइट डिशीज़ यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है क्या एर्ली ब्लाइट जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है जिस कौन सा यहाँ पे क्रॉप जो है पोटैटो में आपको इस तरह का एर्ली ब्लाइट आपको देखने को मिलेगा अगला आपको याद करने वाली वाट इज द वेर इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड लखनऊ के अंदर आपको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है द फॉलोइंग डिफिशेंसी कॉज इज द डायट्री डेफिशंसी ऑफ ज़ेब तालमिया जो भी डायरेटरी हम जानते हैं जो भी ज़िरफ़ तालमिया इसी को नाइट नाइट्लैंडस कहते हैं वाइटमिन ए यानी रेटिनॉल की डिफिशेंसी की वजह से होता है अगर आंखें आपका सही चाहते हो आपको कैरेट खाना होगा हाउ मनी एच आई वी पॉजिटिव इन्फेक्शंस दैट आर अकर्ड एवरी डे इन दर इन द वर्ल्ड जैसे कि आप जानते हैं हर दिन छः हज़ार से ज़्यादा आपको एड्स पॉजिटिव इन्फेक्शन्स आपको देखने को मिल रहा है बॉम्बिक्स मोरी दैट प्रोड्यूसिस फाइन फेलामेंट्स ऑफ सिल्क इन साइड द काकून इज ए मॉथ आप देख सकते हो विच प्रोड्यूस फाइन फेलामेंट ऑफ सिल्क इन साइड द काकून दैट इज़ ए मॉथ वी कॉल इट एज मौत अगला Why was DDT banned? Which an organ chlorine compound used first to control malaria, carried in mosquitoes, and later to a variety to insect pests. Here it persists in the environment and bioaccumulates. That is the reason why the DDT had been banned. What is the reason behind the small shrunken scrotal of an adult bull's straying on Delhi roads? As you can see you can find the maximum that is the reason behind the small shrunken scrotal of an adult bull's straying on delhi roads that is castration so that is the reason behind the small shrunken scrotal of an adult bull straying on delhi roads castration please go through what exactly the castration is you can directly find out through internet which of the following components increases the effectiveness of Photosynthesis process. We knew that red color of the light is the main reason for the effective photosynthesis process. What is the weight of the human brain? Human brain, it has been asked, guys. Here, whatever has been given little bit, there is a small correction in it. You can directly go through this. The weight of the human brain near about 1350 grams. It has been given as 300 grams. So here human brain human brain is 1350 grams. So here, whatever has been given the human heart that is. थ्री हंड्रेड ग्राम्स फॉर द मेन एंड फॉर द वुमेन इट इज थ्री हंड्रेड फिफ्टी फॉर द मैन एंड इट विल बी नियर अबाउट टू एटी फाइव विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर सो ब्लड प्रेशर बी कंट्रोल्ड द दरिजिनल ग्लैंड विच आर लोकेट जस्ट ओवर द किडनीज एंड विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्पोसाइड सेल्स फॉर्म जो भी लिम्पोसाइड सेल्स है ये लॉन्ग बोन जैसे कि कौन से ऑर्गन पे ह्यूमन बॉडी आर द लिम्पोसाइड सेल्स आर फॉर्म लॉन्ग बोन पे आपको देखने को यहाँ पे फॉर्म होता है अगला जो है विच आर द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ़ द एंटीजन यहाँ ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम जो भी एंटीजन का काम है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू शुड नो वट एग्जैक्टली द एंटीबॉडी एंटीजेंस एंड एवरी थिंग यू हैव टू रिमेंबर वॉट एग्जैक्टली द फंक्शनिंग ऑफ दिस रिस्पेक्ट टू टर्मिनोलॉजी सो एंटीबॉडीज आर द वन जो बाहर से आपको जो एंटी जैसे एंटीबॉडीज़ वो है जो बाहर से जो भी आपको आता है डिसीज़ वगैरह उसको डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज़ का काम करता है मेन एंटीबॉडीज़ काम करता है और एंटी जन वो है जो आपको कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है अगला जो है विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस दैट डजेंट इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है डजेंट इन्वॉल्व द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड दैट इज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और बाकी कंबशन में आप देखा जाए इसमें कोई रोल नहीं है और जैसे कि रेस्परेशन फॉर्मेंटेशन अलग अलग चीज़ है द प्रोसेस दैट डजेंट इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है बट यहाँ पर रिलीज होता है नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम salivary glands, liver and pancreas. These are the three, these we have to remember concerning the human digestive system. Correct sequence of the steps involved in the process of human digestive system. Initially we take ingestion and then we have the digestion and absorption and third, fourth is assimilation and excretion or excretion. So this is what you have to remember ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. these are the five phases what you have to remember. I D A A E. you can directly remember like this. you can have your whatever the shortcuts you want. first you intake, ingestion. then you'll have the digestion and we, we absorb them and assimilate them and eject them that is excretion. in which part of the body digestion of protein begins? we can see in stomach. we'll have the digestion of protein begins in stomach what is the function of hydrochloric acid the function of the hydrochloric acid as you can see that is it makes pepsin enzyme effective it kills bacteria which may enter in stomach with food this is what exactly the function of the hydrochloric acid name the largest part of the alimentary canal that is as you can see small intestine is the one which is the largest part of the alimentary canal which can be up to 7 meters complete digestion of food occurs in small intestine we knew that whatever the digestion happens that is in small intestine in the case of excretion it happens in the big intestine or large intestine what is the function of the bile juice secreted by liver we knew that whatever the bile juice that is uh, stored in the gallbladder that is bile duct and uh, it is uh, secreted by the liver it makes the food alkaline so the main function of it is to make the food as alkaline name the hardest material present in the body we knew that the hardest material which is there on the just above the teeth that is enamel hardest has been asked guys in which part of our body food gets absorbed in small intestine we can see what are the food we had eaten that gets absorbed the undigested food stored in the liver in the form of carbohydrate is called glycogen what exactly the glycogen is Whatever the undigested food that is stored in the liver in the form of carbohydrate, that is glycogen. Why, who discovered the cell in, in 1665? The cell had been discovered by Robert Hooke in the year 1665. Next we have name an organelle that serves as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell that is golgi apparatus this is the organelle which serves as a primary packaging area for the molecules so that is distributed throughout the cell that is golgi apparatus name the outermost boundary of the cell as you can see plasma membrane is the one which is the outermost boundary of the cell plasma membrane please remember guys what exactly the outermost boundary of the cell that is plasma membrane very very important bit name the process in which the ingestion of material by the cells is done through the plasma membrane that is endocytosis please it's very important name the process in which the ingestion of material by the cells is done through the plasma membrane that is endocytosis next we have which among the following sentence is not correct about the organelles they are found in multicellular organisms please remember which among the following sentence is not correct about the organelles that is they are found in multicellular organism which is not correct rest all correct they are found in all eukaryotic cells they coordinate to produce the cell they are small sized mostly internal everything is right but not that one name the process in which the passes of water goes from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane that is with the osmosis process in this process what exactly is happening the passage of water goes from the region of higher concentration to a region of lower concentration through what through semi permeable membrane so this is what osmosis how the water be absorbed by the plants name an organism which contains single chromosome and cell division occurs through fission and budding that is prokaryotes please remember this is an organism which contain Single chromosome and cell division occurs through fission or budding, that is, prokaryotes. Name the process in which the membrane of the vesicle can fuse with the plasma membrane and extrude its contents to the surrounding medium. This is what exocytosis. This is the process in which the membrane of a vesicle can fuse with the plasma membrane and extrude its contents to surrounding medium next we have the jelly like substance present inside the cell is known as cytoplasm what exactly the cytoplasm is this is one jelly like substance that is present inside the cell blue green algae they are what they are all prokaryotes what are the blue green algae they are all prokaryotes these are the 50 questions guys which are very important for future examinations please go through whatever the questions I have been given in the previous section also दे आर ऑल वेरी यूज़फुल कोई भी सवाल छोटा नहीं होता थैंक यू हैवे गुड डे हैवे अ ग्रेट लाइफ